देखती हूँ कि वाकई में लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। बिजली के बारे में तो मेरे पूरे हाड़ौती क्षेत्र ने बार बार चला के आके मेरे को कहा कि इस बिजली का कुछ इंतजाम करिए, क्योंकि आपके समय में हमको महिलाओं को घर के अंदर 20-22 घंटे बिजली मिला करती थी और किसानों को सही बिजली मिलती थी। आज ये बिजली इतनी खराब हो गई है कि लाडपुरा के गांव के अंदर एक मेघनाथ सरपंच ने ये कह दिया कि जब आशा तीज के अंदर शादियां होंगी, अगर हमारे गांव के अंदर बिजली नहीं आएगी तो हमारी 6 से ज्यादा शादियां टूट जाएंगी। किसान पहली दफा आत्महत्या पे की कगार पे आके लटक गया है। पहली दफा ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर हमने सुना, ये हमने आंध्र प्रदेश के अंदर सुना, और पहली दफा राजस्थान के अंदर किसान के मुंह से हमने सुन रहे हैं कि जब हमको बिजली नहीं मिलती, खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलती, फसल का अच्छा दाम नहीं मिलता तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या कैसे अपने परिवार को चलाएंगे, इससे अच्छा तो ये मौत के मुंह ही मर जाए। ये कांग्रेस माहिर है, वो जानती है कि जिस दिन आप अपना सोचने लगोगे तो आप ये जानोगे कि हम एक दूसरे के बीच में जो झगड़े रखे हुए हैं उन झगड़े को हमें समाप्त करना पड़ेगा। कोई मीणा पूजा की लड़ाई नहीं हो सकती, कोई राजपूत जात की लड़ाई नहीं हो सकती, कोई जात जात की लड़ाई नहीं हो सकती, कोई मजहब की लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये होती है तो प्रदेश आगे नहीं जाता है। अगर एक की लड़ाई होती है तो प्रदेश आगे नहीं जा सकता है। और माता पहले इस चीज को अच्छी तरह समझ जाओ, इलेक्शन आता है तो हम इसी बात में सोचने लगते हैं, अरे वो ये हमारा जात का है, चलो इस बार अपन वोट दे देंगे। हमने अपने वोट में जात दे अपने जात में वोट दे दिया, परंतु आगे चल के अपने प्रदेश को 5 साल के लिए अपने विकास को खो दिया, क्योंकि एक दफा एक दूसरे के साथ हम झगड़ा करेंगे तो ये नुकसान हमको देखना ही है। किसी भी प्रदेश के अंदर ये नहीं होता। आप देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर 5 साल में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। ये 5 साल के अंदर इस सरकार के करीबन 80 तो तनाव हुए हैं और कई तो सांप्रदायिक दंगे देखने को आपको मिल गए। अभी सांगानेर के अंदर, निमाज के अंदर, कई जगह एक दिन के अंदर 4 स्थान पे सांप्रदायिक दंगे। अरे चाहते हैं वो ताकि मुसलमानों को डर लग जाए, चाहते हैं वो कि जातियों को एक दूसरे से भड़का दे तो जाति एक दूसरे से तनाव मान ले, तभी तो वोट मिलते हैं उनको, तभी तो 55 साल मिले उनको, कभी कहीं और उनको नहीं मिला, तभी गुजरात के अंदर इनको सब कुछ छोड़ दिया गया है, तभी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर उनको छोड़ दिया है। हम लोगों को आपने 5 साल दिए, उस 5 साल के अंदर बीमारों प्रदेश को खड़ा करा के नहीं खड़ा। समय आ गया है, आप लोग सभी यहां बैठे हुए हैं, सबने एक सपना देखा हुआ है, हमने सबने देखा हुआ है। हमारे सपने के अंदर हमारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित होके सड़क चले, ऐसी स्थिति हम राजस्थान में चाहते हैं, एक ऐसा नया राजस्थान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, एक ऐसा नया राजस्थान चाहते हैं।